नमस्कार, स्वागत है आप सभी को इस चैनल में जिसका नाम है नीलोज क्रिएशन। अभी होली आने वाली है और होली में रंग, गुलाल, अबीर, कीचड़, गोबर, गंदे पदार्थ, पता नहीं कितना कितना यूज किया जाता है। इसमें हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर क्या नुकसान करता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं हम। सबसे पहले अबीर की बात करते हैं हम। जो अबीर जो बनता है, विभिन्न तरह के पदार्थों और रासायनिक मिश्रणों से तैयार किया जाता है। और अबीर जब हम आँख में डालते हैं तो आँख में कई तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें आपकी आँखों को सूज जाना, फूल जाता है आँख, आँखें लाल हो जाना, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। और आँख में अगर ज़्यादा मात्रा में पड़ जाए तो बहुत ही नुकसान करता है। इसमें आँख में अगर अबीर पड़ जाने के बाद ओपासिटी हो जाता है, जो कि एक अंधापन का एक प्रमुख कारण है, कॉर्नियल ओपासिटी, तो वो हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम अपने शरीर को और आँखों को अबीर और रंग से बचाया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि रंग भी सारे केमिकल्स होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमें गंदे चीज़ से, जैसे गोबर, कीचड़ इत्यादि से होली नहीं खेलनी है, कभी नहीं खेलनी है। अबीर और रंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी पूर्वक। अब देखते हैं कि होली में ये जो रंग का दुष्प्रभाव है उसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप अबीर को, जब भी अबीर खेलें तो आँखों में एक सफ़ेद रंग का चश्मा ज़रूर लगा लें। अगर आपकी आँखें सही है तो चश्मा पर ही होली खेलें, अबीर खेलें, ताकि आँखों में रंग न जा सके। या नहीं तो आप रंगीन चश्मा, किसी भी कलर का चश्मा ले सकते हैं। इससे भी आपकी आँखों को भी बचेगा और सुंदर भी लगेंगे। किसी भी तरह का चश्मा आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई भी चश्मा यूज करें। सिर्फ चश्मा देने का उद्देश्य यह है कि आँख में अबीर या किसी तरह का केमिकल आँख में न पड़े, ताकि आँख खराब नहीं हो। इसके बावजूद भी अगर आँखों में अबीर या रंग चला जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आँखों में ठंडे पानी से या पानी से आँख को लगातार धोइए, आँख को गिराते रहिए। आँख को किसी भी कीमत पर मसलना नहीं है, मिसना नहीं है। आँख में पानी से धोइए अच्छी तरह से, और उसके बाद जो आपके नज़दीक में नेत्र सहायक हो, नेत्र चिकित्सक हो, उनके पास ले जा करके और आँख को देखवा लीजिए। दूसरी बात कि आमतौर पर होता क्या है कि अबीर पूरा चेहरे में लग जाती है और उसे छुड़ाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो उसका भी बहुत सरल उपाय है, आप घर में बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम पैसे में इसका यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक कोकोनट ऑयल ले लेना है, किसी भी कंपनी का कोकोनट ऑयल ले लेंगे। अगर ये नहीं मिले तो वेसलीन ले लेंगे, बोरो प्लस ले लेंगे, जो भी ऑयलीय पदार्थ है उसको ले लेंगे, और उसको ले करके और ढक्कन से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अपने शरीर में, अपने चेहरे पर उसको काफ़ी डीप, मोटी लेयर में उसको लगा लेंगे। कान में भी लगा लेंगे वेसलीन, पूरा बॉडी में जहाँ आपका अंग खुला है उस जगह पे लगा लेंगे। लगाने के बाद आप जब भी पहला वॉश करते हैं साबुन से, तो क्लियरली आसानी से वो रंग उतर जाता है। होता क्या है कि रंग लगाने के बाद बार बार साबुन से धोने से आपके चेहरा ड्राई हो जाती है, और रब करने से, रगड़ने से स्क्रेचेस आ सकती है, उसमें लालीपन आ जाएगा, जख्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक ऑयली पदार्थ को पूरा शरीर में लगा लें ताकि वो रंग आसानी से निकल जाए। रंग लगने के बाद बहुत से क्या करते हैं कि आँखों को रब करते हैं, रब बिल्कुल नहीं करना है। वो हल्का सा कॉटन में या कपड़े में नारियल तेल, सरसों तेल, जो भी तरह का तेल है, ऑयली पदार्थ है, उसको ले करके और धीरे धीरे उसको लगाएंगे, और यकीन मानिए ये रंग छूट जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो, होली का मौसम है, आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, और आपका रंग छूटा या नहीं छूटा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं अगली बार और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।